वेलकम बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और आज एक बहुत ही रोचक विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज के टॉपिक में बच्चों हम आपको बताएंगे कि IoT का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट विषय, जिसकी जानकारी, जिसका वीडियो, जिसका सूचनाएं, जिसकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है बच्चों कि इम्प्लीमेंटेशन। बच्चों गौर कीजिएगा मेरी बात को, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IoT कि भाई ये जो IoT आप जानते हैं, एक नेटवर्क है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें आपको ये बताया है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले कि साहब ऐसा नेटवर्क जहां पे थिंग्स आर मोर कनेक्टेड रेदर देन द पीपल, कि जहां पर मशीनें ज्यादा जुड़ेंगी किससे, पर्संस की तुलना में, ऐसे नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं IoT। और IoT का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे, इस विषय पर अब आपके साथ हम डिस्कशन और जिक्र करना चाहते हैं। तो बच्चों आइए देखिए कि IoT इम्प्लीमेंटेशन इज डिस्प्ले बाय यूजिंग this बच्चों IoT के इंप्लीमेंटेशन को हम दिखाने चल रहे हैं किसकी मदद से, आपको एक चित्र, एक फिगर की मदद से। आइए सब लोग बच्चों देखिए, जानिए और समझिए। चलिए तो देखो कैसे IoT इंप्लीमेंट होता है, अब आपको समझाना है। तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम, ये एक डायग्राम है जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों। कि आपका IoT का जो नेटवर्क है वो कार्य, IoT का इंप्लीमेंटेशन होता भला कैसे है। ये देखिए आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन छोटा सा डायग्राम जो कि आपको क्लियर कर देगा बच्चों कि हाउ IoT वर्क्स। देखिए सब लोग, इसको क्या बोलते हैं, गेटवे या कनेक्टिविटी, क्लाउड। क्लाउड पर बच्चों हम रखते क्या हैं, बिग डेटा, और बिग डेटा के ऊपर होती क्या है, एनालिसिस। इस एनालिसिस को हम कहते क्या हैं, डेटा माइनिंग। देखते जाइए बच्चों, ये सारे टर्म्स आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड या इंटरकनेक्टेड हैं। तो देखो तुम्हारा जो IoT का इंप्लीमेंटेशन है बच्चों, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स की मदद से होता है। इसके बाद मैं आपको कंपोनेंट ऑफ IoT बताने वाला हूं इसी वीडियो में, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि भैया सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, IoT में जो सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस, जिसको क्या नाम तो उसका बहुत छोटा है,
और उसका कार्य भी बहुत छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत बड़ा है। तो आईओटी के इम्प्लीमेंटेशन करना है अगर, तो सबसे पहले बच्चों हम यूज करते हैं सेंसर्स का। ये सेंसर्स क्या हैं? जो लाइव डेटा को कैच करते हैं। कहां से कैच करते हैं? एनवायरनमेंट से। ये लाइव डेटा क्या होता है बच्चों? ये लाइव डेटा है जिसको आप कह सकते हो, लाइव डेटा जो आप एनवायरनमेंट से लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा टेम्परेचर, जैसे तुम्हारा प्रेशर, जैसे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, जैसे तुम्हारा वॉल्यूम, जैसे तुम्हारा स्पीड, ये सब कैसे एग्जाम्पल हैं? लाइव डेटा। और बच्चों ये एक और एग्जाम्पल कहलाते हैं एनालॉग डेटा के। किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों? एनालॉग डेटा के। तो भैया सेंसर्स का कार्य क्या होता है? सेंसर्स का कार्य है कि ये जो आपको मैंने पिछले फिगर में कहा कि लाइव डेटा को कैच करना, एनालॉग डेटा को कैच करना, और नेटवर्क या कनेक्टिविटी या गेटवेज। बच्चों ये गेटवे क्या है? सेंसर्स तुम्हारे रिमोट प्लेस पे हैं। रिमोट प्लेस का मतलब कहीं दूर दराज जहां पे कार्य हो रहा है वहां पे हैं, और डेटा कहीं और कहीं स्टोर हो रहा है, क्लाउड। अभी मैं क्लाउड पे भी आ रहा हूं कि व्हाट इज दिस क्लाउड। अब बताइए रिमोट प्लेस से डेटा को जो कैच किया उसको नेटवर्क के द्वारा पहुंचाना है क्लाउड पे। क्यों पहुंचाना है? डेस्टिनेशन क्लाउड है, इसलिए पहुंचाना है कि आपका डेटा स्टोर रहे, हैकर उसको हैक ना कर सके, उसको हैकर एक्सेस ना कर सके। तो भैया डेटा को एनवायरमेंट से, लाइव डेटा को कैच करना और पहुंचाना क्लाउड तक, बीच में रोल है गेटवे यानी नेटवर्क का। और विभिन्न प्रकार के नेटवर्क बच्चों इस लेवल पे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे तुम्हारा लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, वाइड एरिया, ये सारे नेटवर्क आपके बच्चों ये कनेक्टिविटी वाले सेक्शन यानी गेटवे पे वर्क करते हैं। और उससे होता क्या है? आपका डेटा जिसको कि कैच किया किसने? सेंसर्स ने। और एक चीज जान लो बच्चों, सेंसर्स को हम लोग बोलते हैं एडीसी। ये एडीसी क्या है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। जो आपका डेटा है जिसको सेंसर्स कैच कर रहे हैं वो है तुम्हारा कैसा? एनालॉग लाइव डेटा। लेकिन नेटवर्क पे ये एनालॉग प्रेशर, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी नहीं जाएगा। तो नेटवर्क के लिए हमें उसको कन्वर्ट करना है एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में। किसकी मदद लेंगे? सेंसर्स की। गेटवे आपको बता दिया के द्वारा डेटा क्लाउड पे पहुंचता है। क्लाउड क्या है? क्लाउड आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ सर्वर्स। बच्चों क्लाउड को डिफाइन आप एक शब्द से करिए कि ये ग्रुप है किसका? सर्वर्स का। और ये सर्वर कहां पे एग्जिस्ट करते हैं? ओवर द इंटरनेट। तो क्या होगा बच्चों, जो क्लाउड पर डेटा जो सेंसर ने भेजा गेटवे से होता हुआ अब कहां पर गया? आपके क्लाउड पर जाकर स्टोर हो गया। अब इस स्टोरेज का क्या मतलब है? जब तक कि इसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं होगी आपको कुछ रिस्पांस नहीं मिलेगा। आपके लिए ये पूरे आईओटी के सेटअप को डेवलप करना बेवकूफी होगी। तो साहब क्लाउड पर डेटा जो स्टोर हुआ उसको कहा जाता है बिग डेटा। देखिए हर एक शब्द अपने आप पे एक पूरा टर्म है बच्चों। क्लाउड पर जो तुमने स्टोर किया वो है बिग डेटा। व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ बिग डेटा? क्योंकि बच्चों जो सेंसर्स डेटा कैच करता है उसका वॉल्यूम, उसका वैरायटी, उसका वेलोसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी। वॉल्यूम माने उसका एरिया, उसका साइज। वेलोसिटी माने उत्पन्न होने की दर। फ्रीक्वेंसी माने बदल रहा है। वेरिएबिलिटी भिन्न भिन्न प्रकार का, वो सारा फीचर्स मिलते हैं। तो ऐसे डेटा को जो रियल लाइफ से रियल टाइम मैनर में 2400 घंटे और मल्टीपल प्लेस से कैच किया जा रहा है, ऐसे डेटा को केवल और केवल स्टोर कर सकता है जिस टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को हम बच्चों क्लाउड कहते हैं। क्लाउड के अलावा कोई और टेक्नोलॉजी में आपकी लोकल मशीन पे, लोकल लैपटॉप पे, लोकल पीसी पर वो डेटा स्टोर नहीं हो सकता।
मेरी बात समझ में आई? तो भैया ऐसे डेटा को क्लाउड पे रखेंगे, बड़े स्केल पे रखेंगे, और क्लाउड पे रखने के बाद आपको क्लाउड का एक बेसिक एग्जांपल गूगल क्लाउड, हम सब उसको यूज करते हैं। अभी हमारे पास गूगल क्लाउड का कोई पेमेंट नहीं देना होता क्योंकि हम लिमिटेड यूज करते हैं। जो लोग अनलिमिटेड यूज करते हैं, कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस, वो गूगल क्लाउड का यूज पेमेंट करके करती हैं, प्रोफेशनल यूज के लिए करती हैं। कॉन्सेप्ट में नहीं बदलाव आता, बस साइज वैरायटी उसके स्केल में बदलाव आ जाता है। तो साहब बिग डेटा क्या है? जिसको सेंसर्स ने कैच किया उसको स्टोर किया किस पर? क्लाउड पर। और यहीं पर होगी एनालिसिस। ये एनालिस करेगा कौन? इस एनालिसिस को करने का काम जो बंदे, जो प्रोग्रामर्स, जो लोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटा एनालिस्ट। क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड डेटा एनालिस्ट। इन डेटा एनालिस्ट का क्या काम होता है? इन डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि जो डेटा सर्वर पर आया, क्लाउड पर आया, उसको प्रोसेस करना, उसको रेक्टिफाई करना, उसको रिफाइन करना, और उसमें से जो छुपी हुई हिडन फैक्ट्स हैं। हर डेटा में, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा में कुछ ट्रेंड होते हैं, कुछ हिडन फैक्ट्स होते हैं, उनका पता लगाना, और उनका पता लगा के जो भी इंफॉर्मेशन निकले, कहा जाता है समुद्र मंथन के बाद कुछ निकला था, उसी तरह से इतने बड़े डेटा को जब आप मथोगे ना तो कुछ निकलेगा। उसको पहुंचाना किस तक? मोबाइल एप्स का मतलब हो गया यूजर तक। मोबाइल एप्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? यूजर तक। यानी शुरुआत भी एनवायरमेंट से हुई और समापन भी यूजर के पास एनवायरमेंट पर जाके हो रहा है डेटा का। समझ में आई बात? तो ऐसी जानकारियां, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं आईओटी का इंप्लीमेंटेशन। बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, कि आईओटी का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, आईओटी में क्लाउड कंप्यूटिंग की जगह एक इसका अल्टरनेट टेक्नोलॉजी आ चुका है जिसको सिस्को ने डेवलप किया था। सिस्को नेटवर्किंग कंपनी है, उसने क्या डेवलप किया? फॉग कंप्यूटिंग। कुछ लोग इस फॉग कंप्यूटिंग को एक और नाम से भी जानते हैं, कहते हैं एज कंप्यूटिंग। किस नाम से बच्चों? या तो आप फॉग कह लो या तो आप उसी को एज कंप्यूटिंग कह लो, के नाम से डेवलप किया। किस नाम से? फॉग या एज कंप्यूटिंग के नाम से बच्चों उसको डेवलप किया। और एक चीज आपको मैं बता दूं, ये जो आपका फॉग कंप्यूटिंग है ना, ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आज के समय में आईओटी में। आप कहेंगे साहब फॉग कंप्यूटिंग का एज क्लाउड कंप्यूटिंग से अंतर क्या है? तो देखिए, फॉग कंप्यूटिंग में जो बच्चों डेटा होता है ना, डेटा का जो प्रोसेस होता है वो आपका रियल टाइम मैनर में होता है। किस मैनर में? आपके रियल टाइम मैनर में हम लोग बच्चों इसको प्रोसेस करते हैं। किसको? डेटा को आप प्रोसेस करते हैं, वो भी रियल टाइम मैनर। रियल टाइम मैनर मींस तुरंत का तुरंत, तुरंत का तुरंत। क्यों? क्योंकि यहां पर रिस्पांस इमीडिएट चाहिए। आप एक एग्जांपल लीजिए स्मार्ट सिटी का। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट होता है। आपके पास क्या है? आपको सिटी बस का जानकारी चाहिए, लाइव लोकेशन चाहिए। क्या करेंगे आप ऐप के माध्यम से रिक्वेस्ट भेजेंगे। स्मार्ट सिटी में जो बसेस चल रही हैं सेंसर बेस्ड है, उनकी लाइव लोकेशन वो सेंसर्स भेजते हैं कहां पे? सर्वर पे। यानी सर्वर के पास वो डेटा अपडेट है कि करंट लोकेशन किसकी, आपके सिटी बस की कहां है और कितनी देर में वो आ जाएगा आपके स्टॉप तक। तो आप मुझे बताइए, ऐसी जगह पे जहां रियल टाइम मैनर में ट्रांजेक्शन हो रहा है, डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, ऐसी चीज के लिए हम लोग बच्चों क्लाउड कंप्यूटिंग के बजाय फॉग कंप्यूटिंग प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं फॉग कंप्यूटिंग? क्योंकि फॉग कंप्यूटिंग में जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है बच्चों वो इमीडिएट मिलता है, जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग में
जैसे आपका गूगल क्लाउड है, वहां पे तुरंत कोई प्रोसेस नहीं होता, वहां पर सूचनाएं स्टोर करके, सुरक्षित करके, बनाकर रख दी जाती हैं। जब आपको भविष्य में जरूरत हो, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे परिवर्तित कर सकते हैं। कोई विशेष रियल टाइम प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट क्लाउड पर नहीं है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का अल्टरनेटिव विकल्प जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो है आपका फॉग कंप्यूटिंग। फॉग कंप्यूटिंग एक अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है, सिस्को ने डेवलप किया था, जो आज आईओटी के लिए जान लीजिए वरदान है। आईओटी इंप्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा रोल है बच्चों, किसका? फॉग कंप्यूटिंग का, डेवलप्ड बाई सिस्को, और इसको एज कंप्यूटिंग के नाम से भी बच्चों, इसको हम एज कंप्यूटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात, मेरी जानकारी समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। और बच्चों इसके बाद आपको एक और छोटा सा टॉपिक जिसकी बात मैं कर रहा हूं, कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी। आपके बच्चों आईओटी के प्रमुख कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं तो देख लो बच्चों, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी आर, आपके आईओटी के प्रमुख कंपोनेंट्स, नंबर एक सेंसर्स ऑब्लिक डिवाइसेस, नंबर दो होता है बच्चों कनेक्टिविटी, नंबर तीन होता है, नंबर एक सेंसर्स या डिवाइसेस, नंबर दो कनेक्टिविटी, नंबर तीन डेटा प्रोसेसिंग, नंबर चार क्या है, चौथा पॉइंट क्या होगा बच्चों, डिलीवरी। Delivery of information. देखो बच्चों ये चार प्रमुख कंपोनेंट हैं। These are the four major components of, किसकी four major components हैं? तुम्हारे IoT के, या कह लो IoT ecosystem के। क्या हैं भैया? सबसे पहला sensors या devices। ये वो devices हैं बच्चों जो कहां पर लगी हैं? याद कर लो, समझ लो बच्चों, ये फील्ड में लगी हैं। फील्ड का मतलब सराउंडिंग में लगी हैं, इन्वायरमेंट में लगी हैं, जिनका काम क्या है? सेंस द डेटा, कैप्चर द डेटा, एक्वायर द डेटा, पिक द डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू द करेस्पॉन्डिंग फॉर्म। ओके, आफ्टर दैट कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्या है भाई? कनेक्टिविटी मतलब कि डेटा जहां से कैच किया वो रिमोट प्लेस पे है, वहां से डेटा को ले जाना क्लाउड तक, फॉग तक। क्यों ले जाना? ताकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो जाए और प्रोसेसिंग के पश्चात हमें क्या है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले। बच्चों बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कनेक्टिविटी का। आपका सेंसर, आपकी डिवाइस डेटा को कैच कर रहा है, डेटा को पकड़ रहा है, लेकिन अगर वो सही समय पर, सही माध्यम से, सही चैनल से अपने डेस्टिनेशन यानी क्लाउड तक नहीं गया तो कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई मतलब निकलेगा भी नहीं बच्चों। तो आपको बच्चों कनेक्टिविटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आईओटी, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा की प्रोसेसिंग। क्यों भैया? क्योंकि सब कुछ तो हो गया लेकिन हमारे एनालिस्ट पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि ट्रेंड क्या है, डेटा क्या छुपा है, हिडन पैटर्न्स क्या है, क्या कोरिलेशन है, क्या उनके बीच सहसंबंध है डेटा के बीच। जब तक प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं होगी, समझ लीजिए इस बात को, जब तक प्रॉपर प्रोसेसिंग बच्चों नहीं होगी तब तक हमें सही इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में बच्चों नहीं मिलेगी। और जब तक हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक हमारे लिए इतने बड़े नेटवर्क का सेटअप कर पाना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो साहब डेटा प्रोसेसिंग एक बहुत ही बड़ा इंटीग्रल पार्ट है तुम्हारे आईओटी का। और फिर सबसे लास्ट में
बच्चों डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अरे भाई ये सारा ताम झाम नौटंकी किस लिए? ताकि उस बंदे तक जिसको जरूरत है, जो रियल टाइम यूजर है, उसको जानकारी मिल सके। किस बारे में मिल सके? कि आईओटी क्या कहता है डेटा पे जब हमने प्रोसेसिंग की, तो क्या रिजल्ट निकला, क्या निष्कर्ष निकला, क्या सूचना बाहर निकल के आई, क्या ट्रेंड पता चले। तो आपको बच्चों डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन किसके लिए है? बेसिकली ये यूजर के लिए है कि यूजर को सही तरीके से सूचना मिले, इंफॉर्मेशन मिले, डेटा मिले। ये जिम्मेदारी किसकी है? डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये चार चीजें मिलकर बच्चों हमारे हमारे किसको आईओटी के सिस्टम का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने बहुत सारी आज की वीडियो में आपको अच्छी जानकारियां दी हैं और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो मेरा निवेदन है आपसे बच्चों कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप और भी लोगों का भला कर सकें। और निरंतर ऐसे वीडियोज हम आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाएंगे जिससे आपको निश्चित तौर पे बच्चों फायदा होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद। गुड नाइट।